आज हम घूमने आए हैं खोले के हनुमान जी। खोले के हनुमान जी से शानदार व्यू दिख रहा है, अब देख सकते हो आप यहाँ का व्यू। तो ये मेन गेट है, मेन गेट से अंदर हम देख रहे हैं, मंदिर के जस्ट ऊपर हम आए हुए हैं। तो और चारों तरफ पहाड़ देख सकते हो आप, और इधर बहुत बड़ा मंदिर है वैसे, ये देखने लायक है। तो कभी भी आओ तो ये गलता जी गेट है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर है, फिर ये मंदिर का पूरा व्यू देख सकते हो आप। वैसे ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो दिखने में काफ़ी मनमोहक, अति सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पे बहुत बड़े हनुमान जी की मूर्त है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी इसी पूरे ब्लॉक में। मंदिर है, मंदिर के अंदर ब्राह्मण हैं, बहुत सारे प्रांगणों में फैला पड़ा हुआ है ये। तो मंदिर में बने रहिए, मंदिर बहुत बड़ा है इसलिए बने रहें ये बोल रहा हूँ मैं। तो और यहाँ से सामने देखो, यहाँ पे ये मेन गेट है, और यहाँ से पार्किंग वगैरह जा रहे हैं, नीचे रास्ता है पार्किंग वगैरह का। ये पूरा प्रांगण है, ये मतलब मेन गेट से अंदर एंटर करते हैं अपन। और ये रास्ते में बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं, तो ये देख सकते हो आप। और यहाँ पे घूमने के लिए मतलब चारों तरफ पहाड़ियों में घिरा पड़ा है ना, तो इसलिए अच्छा भी लगता है काफ़ी, तो देखने में काफ़ी अच्छा है। और इसमें मतलब आप कम से कम आपको आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, ऐसे पैदल चलने की दिक्कत नहीं, चारों तरफ आराम घूमते हुए पहाड़ियाँ दिखती रहती है, तो आराम से जा सकते हैं। ऑटो वगैरह भी हैं, बट यहाँ पे पार्किंग बाहर है, तो वहाँ से पार्किंग से आधा किलोमीटर ऐसा कुछ है, तो देख सकते हैं। देखो आप कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना यहाँ का, ये रास्ते में है मतलब, और मंदिर तो जस्ट पीछे रह गया। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो जाते जाते का व्यू है, देखो कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे बोर्डिंग बहुत सारी लगी हुई है, बोर्डिंग है, और ट्रैफिक तो फॉलो करेंगे ही सही कही। और ये जो मंदिर दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से ही ट्रैफिक जाने नहीं देते वगैरह। और ये पार्किंग एरिया है, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं अब।